उधर छतरपुर के हरपालपुर में झांसी खजराव रोड पर अलीपुरा गांव के पास पीएनसी कंपनी पुल का निर्माण कर रही थी, जिसके बगल से बनाया गया डायवर्जन पुल भारी बारिश के चलते पानी के बहाव में बह गया। लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है, क्योंकि पुल के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में वाहन कतार लगाए खड़े हैं। इस बीच धर्मपुरा युवा राहगीरों को निकालने में सहायता कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका एक बहुत अच्छा कार्य, लेकिन शासन के जो कर्मचारी हैं उनको इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से बरसात सीजन में आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ के ग्रामीण व्यक्ति नहीं होते तो ये निःशुल्क अगर सेवा नहीं करते तो आमजन को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इस पर शासन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा माध्यम है कि आदमी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए निकलने में। इसके लिए कोई अधिकारी नहीं आया, ना किसी ने देखा। हम ही जब से कर रहे हैं, सुबह से शाम होने